नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके पेपर कोड S5 के यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। और इसके अंतर्गत हमने स्वास्थ्य शिक्षा के समझ के बारे में पिछले वीडियो में बात किया था, और आज का आपका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोग के बारे में, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज के बारे में। आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है संक्रामक रोगों की समझ तथा उनके रोकथाम की जानकारी। यदि आपके पास पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं यूनिट 4 में आपका पेज नंबर है 84 के पेज नंबर इकाई 4 में दिया हुआ है संक्रामक रोगों की समझ तथा उनके रोकथाम की जानकारी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज के क्लास में विशेष करके हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, और ये किसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन संक्रामक रोग है, इसके रोकथाम की जानकारी कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इनसे हम बचे रह सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के भाग 2 में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए। आप लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि संक्रामक रोगों की समझ, जो आपका टॉपिक है, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, संक्रामक रोगों की समझ क्या होती है, संक्रामक रोग होते क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। तो आप सभी लिखेंगे पहले संक्रामक रोग, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज, ये होता क्या है। यदि आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि संक्रामक रोग होता क्या है, तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि यह रोग जो है किसी जीवित परजीवी जीव के द्वारा शरीर पर आक्रमण कर देने से होता है। यह रोग कैसे होता है, यह रोग जो है लिविंग पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, आप चाहें लिख सकते हैं लिविंग पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हिंदी में कहते हैं जीवित परजीवी जीव के द्वारा शरीर पर आक्रमण कर देने से होता है। संक्रामक रोग कैसे होता है, कुछ जीव ऐसे जीव होते हैं जो लिविंग पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कि जीवित परजीवी जीव होते हैं, जब उनके द्वारा आपके शरीर पर आक्रमण कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, तब यह रोग जो है आपको हो सकता है। यह जीव जो है अविश्वसनीय रूप से इतने सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी कितने माइक्रो होते हैं, जो एक सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे सके। यानी जो सामान्य माइक्रोस्कोप जो होता है, जो आप सभी के पास भी रहता है या आपके महाविद्यालय में भी है, यदि उस माइक्रोस्कोप से भी यदि हम उस जीव को देखने का प्रयास करें, तो हम उसे नहीं देख सकते हैं, वो इतने छोटे आकार के होते हैं। ये जीव जो है बैक्टीरिया, वायरस या उड़ने वाले मच्छर, फफूंदी और कीड़े जो है, यानी कि वर्म्स, अपनी अपनी संरचना तथा कार्य प्रणाली के अनुसार कहलाते हैं। जो है ये जीव कई श्रेणी में आते हैं, बोलो सो बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस कहते हैं, बहुत ऐसे जो हैं जो कि उड़ने वाले मच्छरों से फैलते हैं, फफूंदी जो होती है उससे होते हैं, फिर वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। जैसे जैसे इनकी संरचना होती है, जैसे इनकी कार्य प्रणाली होती है, उसके अनुसार जो है इनके नाम दिए गए हैं। ऐसे बैक्टीरिया से, ऐसे वायरस से क्या होता है, अनेक तरह की बीमारियाँ होती है। यदि हम बीमारियों की बात करें, तो आप लिखेंगे अनेक प्रकार के रोग, जैसे कि हैजा, मोतीझरा, निमोनिया, मलेरिया, चेचक, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, या वर्तमान में जो अभी कोरोना भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कोरोना इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। ये रोग जो है दूसरे व्यक्तियों को भी, जो रोगी के संपर्क में आते हैं, उसे भी लग जाते हैं। अतः ये रोग जो है भयानक तो होते ही हैं, भयानक के साथ साथ भयावह भी होते हैं। इस रोग में होता क्या है, जो यदि किसी को रोग हुआ है, यदि उस व्यक्ति के संपर्क में दूसरे व्यक्ति भी आएंगे, तो उस व्यक्ति को भी यह रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या उस व्यक्ति को भी यह रोग लग जाता है। इसीलिए जो कहा जाता है ये रोग क्या होते हैं, भयानक तो होते ही हैं, भयानक के साथ साथ भयावह भी होते हैं।
जैसे कि वर्तमान में आप सभी कोरोना महामारी को देख रहे हैं, जो कितना भयावह रूप में हमारे बीच मौजूद है। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन डिजीज है। यह रोग जो होते हैं किससे होते हैं, संक्रमण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसी भी प्रकार के हानिप्रद जीवाणु किसी बाह्य माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और अनुकूल वातावरण पाकर समुचित वृद्धि पाकर कुप्रभावों के रूप में विभिन्न रोगों की आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति करते हैं। यह रोग कैसे फैलता है, यह रोग जो है विभिन्न प्रकारों से किसी न किसी बाह्य माध्यम से आपके सांसों के द्वारा या फिर खाने के द्वारा या फिर आप पानी पीते हैं उसके द्वारा, सांस लेते हैं उसके द्वारा, किसी न किसी माध्यम से वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो जीवाणु जो है या जो वायरस जो है जब आपके शरीर में प्रवेश करेंगे तो आपके शरीर में जब जैसे उसे अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो अनुकूल वातावरण पाकर अपने आप में वो क्या कर लेते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। और वृद्धि करके क्या करते हैं, वो आपके शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, आपको रोगी बना देते हैं। शिशुओं और बालकों में ये रोग जो है अधिक लगते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो आप कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप इसमें लिखेंगे बालकों और वृद्धों में ये रोग अधिक लगते हैं। और समय पर तथा ठीक से उपचार न मिल पाने कारण बहुत से बच्चे या बहुत से बुजुर्ग व्यक्तियों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। संक्रामक रोग में क्या होता है, ये रोग जो है किसी न किसी प्रकार से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद जैसे आपके शरीर में वो प्रवेश करेंगे तो उन्हें एक उचित वातावरण मिलेगा, अनुकूल वातावरण मिलेगा। और जैसे ही उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो अनुकूल वातावरण मिलने के साथ ही वो अपने आप में वृद्धि करने लगते हैं, विकास करने लगते हैं, और विकास करने के साथ वो आपके शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। इसमें जो ज़्यादा किनको डर रहता है, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को डर रहता है, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इस बीमारी को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और यदि एक बार उन्हें बीमारी हो जाए तो उनका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत नहीं रहता, जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब आप हेडिंग दीजिए संक्रामक रोगों की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है संक्रामक रोगों की, यानी कि आपको कैसे पता चला है कि हमके वो रोग हो चुका है, उसकी विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। तो आप सभी हेडिंग दीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर स्टार दे सकते हैं, स्टार देकर नंबर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि संक्रामक रोगों की विशेषताएं। आप विशेषता में पहली विशेषता लिखेंगे कि ये रोग क्या होते हैं, संचारी होते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से लग जाते हैं, यानी कि आसानी से हो जाते हैं। इस रोग की पहली विशेषता क्या है, इस रोग की पहली विशेषता है कि ये रोग जो है कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि संचारी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को यदि ये रोग हुआ है, यदि दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसके पास जाएगा तो उसे भी ये रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या आप कहें कि उस व्यक्ति को भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता में लिखेंगे कि सभी संक्रामक रोग जो है जीवाणुओं द्वारा ही होते हैं, किंतु सभी रोगों के कीटाणु अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जितने भी तरह के आपके संक्रामक रोग होते हैं वो सभी किसके होते हैं, सभी जीवाणुओं के द्वारा ही होते हैं, लेकिन सभी रोगों के जो कीटाणु हैं वो अलग अलग होते हैं, हमें एक नहीं रखना है। जैसे कि अभी कोरोना जो सभी को हो रहा है, तो कोरोना जिसे हो रहा है तो नॉर्मल भी यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसमें भी कोरोना की वजह से ही होता है, लेकिन उसके जीवाणु क्या है, अलग अलग रूप में है, तो हमें इसको पहचान करनी है। ठीक है, इसके बाद तीसरे विशेषता आप लिखेंगे कि प्रत्येक संक्रामक रोग की अवधि निश्चित होती है, उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये जो है प्रत्येक रोग में नहीं होता, लेकिन अधिकतर ऐसे जो संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो किसी को सर्दी खांसी होता था, बुखार होता था, तो क्या होता था, कुछ निश्चित अवधि के बाद वो अपने आप जो है समाप्त भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है।
जैसे आप सभी भी देखते होंगे, यदि किसी को कोरोना हो भी रहा है तो कुछ निश्चित अवधि के बाद, दवाई लेने के बाद, परहेज करने के बाद, लोग क्या उसे रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे आप चौथे बिंदु में कि अधिकांश संक्रामक रोग जो है किसी व्यक्ति को जीवन में एक बार ही होते हैं, क्योंकि एक बार संक्रामक रोग होने पर उससे मानव शरीर में जो आपकी प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो है कुछ रोग अपवाद भी हैं, अपवाद जैसे कि थिपथिरिया, जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, दस्त या फिर कोरोना भी इसमें आप ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये रोग जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, यानी कि एक बार यदि आपको हो गया तो बार बार भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जो रोग होते हैं, यदि एक बार आपको हो गया फिर दोबारा आपको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका जो प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है वो आपका शरीर खुद तैयार कर लेता है, और रोग होने से पहले ही वो उस जीवाणु को, उस कीटाणु को मार देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिए आप जनरल सिस्टम ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। जनरल सिस्टम सिम्पटम क्या होता है, जनरल लक्षण क्या होता है, कि यदि आपको इन्फेक्शन डिजीज हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण है जो कि आपके अंदर दिखाई देंगे। तो यदि हम बात करते हैं जनरल सिम्पटम ऑफ इन्फेक्शन डिजीज के बारे में, तो आप लिखेंगे कि पहला इसका लक्षण क्या होते हैं, कि रोगी को बुखार आता है और कभी कभी जो है बहुत अधिक और बहुत कम, यानी अर्थ क्या हुआ कि रोगी को जो है बुखार आ सकता है, कभी कभी बुखार बहुत तेज हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, कभी उसके सर में भी दर्द रहेगा। ये जो क्या है कम बेस होते रहता है, यानी पहले भी आप लिखेंगे इसके लक्षण में कि रोगी को बुखार कभी कम कभी ज़्यादा आ सकता है। दूसरे लक्षण में आप लिखेंगे कि यदि कोई आंतरिक संक्रमण है तो रोगी को कंपकंपी भी आने लगती है। आपने महसूस किया होगा जब बहुत ज़्यादा तेज बुखार होता है तो बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगने लगता है, जैसे कि कोरोना के सिम्पटम में भी हमें दिखाई देता है, कोरोना के लक्षण में भी हमें दिखाई देता है कि रोगी को क्या होता है, रोगी को बुखार के साथ साथ कंपकंपी भी आने लगती है। इसके तीसरे लक्षण में आप सभी को लिखना है कि शरीर में अनेक अंगों पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, यानी आपके शरीर पर क्या होगा कभी कभी जो है छोटे छोटे दाने भी, जैसे खुजली जिस दाने होते हैं वैसे भी दाने जो है आपको उभर कर सकते हैं, जैसे घमौरी में होता है वैसे दाने भी आपके शरीर पर उभर आ सकते हैं, ये भी एक सामान्य लक्षण होता है। चौथे लक्षण में आप सभी को लिखना है कि जो शरीर का भाग रोग की चपेट में आता है वहाँ पर तेज दर्द महसूस होने लगता है, बेचैनी और छटपटाहट भी बढ़ जाती है, यानी कि आपके शरीर का जिस भाग पर रोग का बहुत ज़्यादा असर हुआ है उस जगह पर आपको तेज दर्द महसूस होने लगेगा, और तेज दर्द होने के साथ साथ आपको बेचैनी और छटपटाहट का भी अनुभव होगा। उसके बाद लिखेंगे अगले में आप कि किसी किसी रोग का एहसास माथे पर लाल चकते उठ जाने से भी होता है। कई बार क्या होगा आपके माथे पर या आपके शरीर पर लाल लाल चकता जैसा हो जाता है, ये भी एक सामान्य लक्षण होता है। उसके बाद आप लिखेंगे अगले बिंदु में कि आपको जो है मिचली, उल्टी और पेचिस या पतले दस्त प्राय सभी को होने लगते हैं। जब ऐसे रोग आपको लग जाएंगे तो क्या होगा, आपको मिचली आने लगेगा, उल्टी आएगा यानी कि वोमिटिंग होगा, और पेचिस या पतले दस्त जो है प्राय जो होने लगते हैं। ये जो है सामान्य लक्षण है, जब ऐसे रोग से आदमी ग्रसित होता है तो ऐसे लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। उसके बाद आप तीसरा में लिखिए ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि संक्रामक रोगों का संचरण, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, ये भी जानना हमें जरूरी है। ऐसे जो संक्रामक रोग है इसका ट्रांसमिशन यानी कि संचरण कैसे होता है, यदि इस पर हम बात करें तो हम पांच बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि ऐसे रोगों का संचरण होता है यानी कि ट्रांसमिशन होता है। पहला होता है आपका एयर बॉर्न डिजीज, यानी कि वायु द्वारा, हवा के द्वारा क्या होते हैं, संचरित होते हैं, कि अब एक आदमी से दूसरे व्यक्तियों में जाते हैं। दूसरा होता है वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज, यानी कि खाने और पीने से भी ऐसे रोग जो है संचरित होते हैं।
इसके बाद तीसरा आपका है इंसेक्ट बाइट बॉर्न डिजीज, यानी कि कीड़े काटने से, यानी कि मच्छर के काटने से या छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनके काटने से भी ऐसे रोगों का संचरण होता है। और चौथा आपका है स्किन बॉर्न डिजीज, यानी कि स्किन से भी ऐसे रोगों का संचरण होता है। पांचवा आपका है सेक्स बॉर्न डिजीज, यानी कि शारीरिक संबंधों द्वारा संवाहित रोग। तो ये पांच आपके जो है, जो मेन प्रमुख रूप से पांच है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, ऐसे रोगों का संचरण कैसे होता है, और भी कारण हो सकते हैं, हमने इस वीडियो में पांच का जो है कलेक्शन आप सभी के लिए किया है। तो आप इसमें लिखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में, यानी कि संक्रामक रोगों का संचरण में आपको सबसे पहले लिखना है कि संक्रामक रोगों के जीवाणु जो है कई प्रकार से शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। वो जीवाणु जो है ऐसे भी होते हैं जो शरीर में वंशानुगत अपना स्थान बनाए रखते हैं और शरीर की कमजोरी का लाभ उठाकर वे अपना रूप प्रकट कर देते हैं। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो कि हमें बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत कहने का अर्थ होगा कि यदि आपको आपके दादाजी का था तो आपके पिताजी को भी हो सकता है और आपके पिताजी से आपको भी हो सकता है, वैसे रोगों को हम लोग कहते हैं वंशानुगत रोग। तो वैसे कुछ जीवाणु होते हैं जो कि वंशानुगत होते हैं, जो आपके शरीर में मौजूद रहते हैं, और जैसे आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है या जिस जगह पर वैसा कुछ कमी होती है तो उस कमजोरी का लाभ उठा करके वे अपना क्या करते हैं, रूप प्रकट कर देते हैं। हम यहाँ पर जो है चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित कुछ सोची यहाँ प्रस्तुत करें, जैसे मैंने पांच के बारे में चर्चा किया, तो कुछ रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से, स्किन से, इंसेक्ट से क्या होते हैं, फैलते हैं। हो सकता है कि कुछ इसमें रोग ऐसे भी हो जो कि और भी कारणों से फैलते हों, उसे आप क्या कर लेंगे, अगर आपको इसे नोट आउट भी कर लेंगे, लेकिन जो है जिन हम पांच का यहाँ पर जिक्र किए हैं वो अधिकतर जो है रोग इसी सबसे फैलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यह रोग जो है दो या उससे अधिक श्रेणी में भी सम्मिलित हो, यानी कि कुछ रोग जो है आपके एयर बॉर्न भी हो और वाटर एंड फूड बॉर्न भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से पांच चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला पर हमने बात किया था एयर बॉर्न डिजीज, यानी कि वायु द्वारा संवाहित रोग। एयर बॉर्न डिजीज कौन कौन होता है, यदि इसकी हम बात करें तो आप लिखेंगे चेचक, यानी कि स्मॉल पॉक्स, जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, खसरा, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, छोटी माता जिसे हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, गलसुए, रुबैला, ये सब रोग क्या है, ये सब रोग जो है वायु द्वारा संवहित होते हैं, यानी कि ईयर बॉर्न डिजीज के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप चाहें तो कोरोना को भी रख सकते हैं, कोरोना को भी जो है वायु द्वारा संवाहित रोग भी माना जा रहा है या माना गया है। उसके बाद दूसरा आपका है वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज, यानी कि पानी तथा भोजन से संवाहित रोग। कौन कौन से रोग है जो पानी तथा भोजन से संवाहित होते हैं, यदि हम ऐसे रोगों की बात करें तो ऐसे रोगों में आपका आता है हैजा, पेचिस, आंत्र ज्वर, पोलियो, अतिसार, पीलिया, ये सब रोग क्या है, पानी तथा भोजन से संवाहित होते हैं। पोलियो के बारे में तो भी कहा था यदि बहुत दूर, यानी कि दूसरे गांव में भी यदि किसी बच्चे को पोलियो है, यदि उसके मलमूत्र के द्वारा, उसका मलमूत्र यदि आपके गांव में भी प्रवेश कर जाता है, आपके पानी में मिल जाता है, यदि उस पानी को दूसरा बच्चा भी पीता है तो उसे भी पोलियो हो जाएगा। इसीलिए आप सभी ने भी देखा होगा कि WHO के द्वारा अभी भी वर्तमान समय में भी पोलियो का टीका बच्चे को पिलाया जाता है। तो ये रोग क्या है, पानी तथा भोजन से संवाहित होते हैं। चलिए तीसरा में आप लिखेंगे इंसेक्ट बाइट बॉर्न डिजीज, यानी कि कीड़ों के काटने से संवाहित रोग। कुछ ऐसे रोग हैं जो कीड़ों के काटने से होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर, उसके बाद फलेरिया, प्लेग भी आप सभी सुने होंगे नाम। तो ये सब रोग क्या है, ये रोग जो है कीड़ों के काटने से फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका है स्किन बॉर्न डिजीज, यानी कि त्वचा द्वारा संवाहित रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि त्वचा के द्वारा फैलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को यदि रोग हुआ है
यदि उसके स्क्रीन से कोई दूसरा व्यक्ति टच करता है, दूसरा व्यक्ति उसको छूता है, तो उस व्यक्ति को भी रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि टिटनेस, एक्जिमा, खुजली या दाग, दाग यानी कि रिंग वॉर्म, ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति को त्वचा के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, और पांचवा आपका है सेक्स बॉर्न डिजीज, यानी कि शारीरिक संबंधों द्वारा संवाहित रोग। वो रोग कौन कौन है? वो रोग है सिफिलिस, गोनोरिया तथा एड्स। ये रोग जो है शारीरिक संबंधों द्वारा संवाहित होते हैं, यानी कि फैलते हैं। इसके उपरांत आप लिखिए संक्रामक रोगों के संवाहक, यानी कि कैरिज ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। वो कौन कौन से जो क्या होते हैं? कैरिज होते हैं, यानी कि संवाहक होते हैं, जो कि संक्रामक रोगों को क्या कहते हैं, फैलाते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति के पास लाते हैं। यदि उसकी हम बात करें तो मुख्य रूप से तीन होते हैं। पहला होते हैं पीपुल सेल, यानी कि व्यक्ति स्वयं जो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में रोग फैलाता है। दूसरा होता है इंसेक्ट्स एंड एनिमल, कीड़े तथा जानवर, और तीसरा होता है नॉन लिविंग सोर्स, यानी कि निर्जीव वस्तु। ये तीन चीज जो है, तीन आइटम जो है क्या करते हैं, इन्फेक्शन डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी लिखेंगे कि जैसा कि हम पहले आप सभी के भी चर्चा किए थे कि अधिकतर संक्रामक रोग क्या होते हैं, संचारी होते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल होते हैं। हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जितने भी आप कह सकते हैं कि संक्रामक रोग होते हैं वो सभी संचारी होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाते हैं, और किसी एक परिवार के यदि एक व्यक्ति को यदि रोग हो गया तो क्या होगा, परिवार के पूरे सदस्य को यह रोग हो सकता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति भी आता है तो उस व्यक्ति को भी रोग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। यानी आप कहें कि यदि एक व्यक्ति को गांव में यदि एक व्यक्ति आ गया, उस व्यक्ति को यदि रोग है, तो पूरे अपने घर को वो रोगी तो बना देगा, और साथ ही साथ पूरे गाँव के लोग भी उस रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। इसी से जो है ऐसे सर्वी गुणधर्म के लिए रोगों क्या कहता है, कंटेजियस डिजीज की श्रेणी में रखा जाता है। उसे आप कह सकते हैं कंटेजियस डिजीज, वैसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कंटेजियस डिजीज की श्रेणी में रखते हैं, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहने लगते हैं। कभी कभी जो है ऐसे रोग पूरे गांव या पूरे शहर या आप कह सकते हैं कि किसी विस्तृत जनसंख्या को भी प्रभावित कर देते हैं। वैसे कंडीशन हम क्या कहते हैं, वैसे कंडीशन हमको पैनाडेमिक आउटब्रेक का नाम देते हैं। जब ऐसा कंडीशन आता है तब उसे कहते हैं कि वो क्या हो गया, रोग जो है पैंडेमिक आउटब्रेक हो गया है। अभी आपका जो कोरोना है वो पैंडेमिक आउटब्रेक की श्रेणी में नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि हम लोग नहीं समझे तो क्या होता है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि हम लोग इससे नहीं संभालते हैं तो क्या हो सकता है, वो पैंडेमिक आउटब्रेक की श्रेणी में भी आ सकता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इतिहास से सीख लेना चाहिए। पूर्व में जो है ऐसी कई घटनाएं हुई है जिससे कि पूरा का पूरा देश या कह सकते कि पूरा विश्व भी इससे प्रभावित हुआ है। हम आप सभी के बीच चर्चा करना चाहेंगे 1918 और 20 में एक बीमारी आई थी, जैसा कि आप सभी को शायद ज्ञात होगा, इन्फ्लुएंजा उसे बोला गया था, जिससे कि पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि 200 करोड़ व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 200 से ज़्यादा भी हुई थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 200 करोड़ व्यक्ति जो है मृत्यु के शिकार हुए थे, और बहुत ज़्यादा लोग इससे मतलब इस रोग से ग्रसित भी हुए थे। इसके साथ ही साथ जो है पिछले 30 वर्षों में जो है पोलियो से मरने वाले बच्चों की संख्या भी कई करोड़ है, और यदि कुछ बच्चे बच भी गए हैं तो क्या होंगे, अपंग हो गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो है पोलियो को नियंत्रित कर लिया गया है, कोरोना को भी जो है नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, स्वयं से बचे रहना है। जो भी गाइडलाइन, जो भी आपके सूचनाएं जो है भारत सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, उसे आपको क्या करना है, उसे आप सभी को पालन करना है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि संक्रामक रोगों के तीन मुख्य संवाहक रहे हैं,
तीन मुख्य बारे में मैंने चर्चा किया था आपको। पहला है पीपल सेल्फ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग सोर्सेज। पहला देखेंगे पीपल सेल्फ यानी कि स्वयं मनुष्य। इसमें आप सभी को लिखना है कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रामक रोगी से बड़े निकट से संपर्क में आता है तब रोग क्या होते हैं, संचरित हो जाता है, विशेष करके मुंह की सांस से, नाक की छींक और खांसी से जो है रोग के जीवाणु वायुमंडल में जाते हैं और संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी ग्रसित कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक ही बर्तन में खाना खाने से, एक ही बर्तन में पानी पीने से, एक ही टॉवल का प्रयोग करने से, गले मिलने से भी रोग जो है, हाथ मिलाने से भी ये रोग फैल सकते हैं। इसलिए आपको क्या किया था, बार बार सलाह दिया जाता है कि आप एक दूसरे से उचित दूरी बना कर रखें, मास्क का प्रयोग करें, अपना अपना टॉवल जो है सब मतलब खुद से रखें। तो क्या कुछ सावधानियां बरत करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रोगों से बचे रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है इंसेक्ट एंड एनिमल यानी कि जीव जंतु और जानवर के द्वारा। कई जीव जंतु जो है जो मनुष्य के रक्त पर ही पलते हैं, वे क्या करते हैं, वे रोगी के रक्त से विषाणु लेकर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो रोग क्या होता है, इसे भी रोग संचरित हो जाता है। जैसे कि मलेरिया, प्लेग, ये क्या था, इसी रोग के कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति को रोग हुआ है, यदि उसको कोई कीड़ा काटा, फिर वही कीड़ा दूसरे व्यक्ति को भी काटता है, तो उससे भी कई तरह की बीमारियां जो है फैलने का डर रहता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया मलेरिया, प्लेग, ये क्या है, वैसी बीमारियां है। इसके साथ ही साथ एक और बीमारी है, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती ज्वर। ये भी बीमारी क्या होता है, इसी तरह कीड़े के काटने से फैलता है। इसके साथ तीसरा आता है नॉन लिविंग सोर्सेज यानी कि निर्जीव वस्तुएं। कुछ निर्जीव वस्तुएं भी जो है क्या होती है, संक्रामक रोगों का संवाहक बनती है। इनके अनेक उदाहरण है, जैसे कि पहनने और सोने के कपड़े, बिस्तर, बर्तन, फर्नीचर, या फिर खुले का खाना, बाहर का खाना, डिब्बा बंद अचार, या कोई भी आप कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, साबुन, पाउडर, ये कुछ भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन डिजीज हुआ है, वो व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु छू जाती है या उस व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु को टच करता है, छूता है, तो क्या होता है, उससे भी बीमारियां फैलने का चांसेस रहता है, पुरानी बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो ये मुख्य रूप से तीन है जिससे कि जो है बीमारियां फैल सकती है। यदि हम इन तीनों पर कंट्रोल करें, तीनों से सतर्क रहें, तो हम ऐसी बीमारियों से क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। तो आज के क्लास में हम बात कर रहे थे संक्रामक रोग के बारे में, संक्रामक रोग का संचरण कैसे होता है यानी कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, इससे लोगों के लक्षण क्या हैं, ये फैलता कैसे है, इसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा की है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे असंक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज के बारे में, वे कौन कौन से रोग हैं जो कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज के श्रेणी में आते हैं, यानी कि आपका सर कि असंक्रामक रोग होते हैं। और इसके साथ ही साथ हम एक और चीज़ पर बात करेंगे, यानी कि कुछ जो है संक्रामक रोग, वे कौन कौन से रोग हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, आपको असाइनमेंट में भी एक प्रश्न दिया गया था कि एक रोग के बारे में आपको चर्चा करना है, तो कुछ रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे और उससे हम कैसे बचे रह सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके अगले क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को या इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।